यूट्यूबर और ब्लॉगर सौरभ जोशी को आज हर कोई जानता है। उन्होंने अपने डेली और लाइफस्टाइल ब्लॉग के जरिए यूट्यूब पर अपना जबरदस्त तरीके से सिक्का जमाया है। सौरभ जोशी की उम्र अभी काफी कम है, लेकिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर उन्हें फॉलो करने वालों की लंबी कतार है। वह उत्तराखंड से आते हैं। सौरभ जोशी के पिता कभी मजदूरी किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि सौरभ जोशी को यूट्यूब ने छप्पर फाड़ के पैसा दिया है। आज की कहानी में हम सौरभ जोशी के करियर, गर्लफ्रेंड, पर्सनल लाइफ, परिवार, YouTube पर उनके सफलता की कहानी तो जानेंगे ही, और साथ ही जानेंगे उनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। विशेष बातचीत के लिए हमसे आप Instagram पर भी जुड़ सकते हैं। ये सब करना जरूरी है क्योंकि हम इसी तरह के जानकारी से भरे इंटरेस्टिंग वीडियोस और कहानी आपके लिए लगातार अपलोड करते रहते हैं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म अब बहुत सारे लोगों के लिए कमाई का फुल टाइम जरिया बन गया है। 24 साल के सौरभ जोशी डेली ब्लॉगिंग के जरिए हर महीने 80 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार की खराब स्थिति के कारण उनके मजदूर पिता को 9 बार किराए का घर बदलना पड़ा। सौरभ जोशी का परिवार मूल रूप से उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी के एक छोटे से गाँव का रहने वाला है, लेकिन इनके पिता लगभग 20 साल पहले अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हरियाणा में आ बसे थे। सौरभ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हिसार के हांसी में ही की थी। वह साइकिल से अपने स्कूल जाया करते थे, लेकिन आज सौरभ जोशी यूट्यूब पर ब्लॉगिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं और फिलहाल यूट्यूब पर उनके 23 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। इंस्टाग्राम पर फिलहाल इनका 4.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। 8 सितंबर 1999 को सौरभ जोशी का जन्म देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिंदर जोशी और माँ का नाम हेमा जोशी है। उनके भाई का नाम साहिल जोशी है। खराब आर्थिक स्थिति के कारण उनके पिता एक अस्थिर काम की तलाश में अलग अलग शहरों में भटकते रहे। सौरभ जोशी के पिता एक साधारण पेंटर थे। लोगों के घरों में रंग रोगन करके रोजाना काम करने से उन्हें 300-400 रुपए रोजाना मिलते थे, जहां मुश्किल से उनके परिवार की जरूरतें पूरी होती थी। 12वीं कक्षा तक पहुंचने तक सौरभ जोशी को 5 बार स्कूल बदलना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी अधिकांश स्कूल शिक्षा हरियाणा के हिसार में की। बाद में उन्होंने पंजाब के ही एक कॉलेज से ललित कला में स्नातक की डिग्री हासिल की। 12वीं कक्षा के बाद वो आर्किटेक्चर की कोचिंग लेने के लिए एक साल के लिए दिल्ली चले गए। पढ़ाई में औसत रहने के कारण वह एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ रहे, इसलिए वो घर वापस चले गए, जहां पर उसने स्केच बनाना शुरू किया। उनके भाई ने घर पर उनके पेंटिंग्स और स्केच देखे। उन्होंने सौरभ को अपनी पेंटिंग और स्केच को शेयर करने के लिए एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का सुझाव दिया। शुरुआत में सौरभ जोशी ने फेसबुक पर अपनी कलाकृति पोस्ट करना शुरू किया। 24 जुलाई 2017 को सौरभ ने यूट्यूब पर अपना पहला वीडियो रंगीन पेंसिल से 2000 नोट बनाना टाइटल के साथ अपलोड किया। अपने चैनल का नाम बार बार बदलने के बाद उन्होंने सौरभ जोशी आर्ट्स नाम फाइनल किया। शुरुआत में कोई सफलता या पहचान नहीं मिली। करीब 300 वीडियो अपलोड करने के बाद उन्हें करीब 4000 सब्सक्राइबर मिले, लेकिन कुछ अनुभव के बाद उन्होंने उस समय की ट्रेंडिंग पर्सनालिटी का स्केच बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनके वीडियोस वायरल हो गए और फिर दर्शकों के अनुरोध के बाद उन्होंने ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया। अपने पहले चैनल सौरभ जोशी आर्ट्स पर धीमा ग्रोथ देखकर उसने एक नया चैनल शुरू किया, जिसका नाम उसने सौरभ जोशी ब्लॉग्स रखा, जिसे आज सभी जानते हैं। इस चैनल पर फिलहाल 23 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। शुरुआत में वो इस चैनल पर कभी कभी वीडियो अपलोड करते थे। इस चैनल पर व्यूज तो आना शुरू हुआ, लेकिन वीडियो वायरल नहीं हो रहा था। फिर समय आया लॉकडाउन का। 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन के दौरान सौरभ ने 365 दिनों में 365 ब्लॉग अपलोड करने का लक्ष्य रखा। उनका पहला वीडियो अपलोड करते ही कुछ ही घंटों में यूट्यूब पर वायरल हो गया। उनके चैनल पर अचानक से सब्सक्राइबर की बाढ़ आ गई। इस चैनल पर सौरभ जोशी ने अपनी दिनचर्या और लाइफस्टाइल को लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। उनके ब्लॉग में इनके चचेरे भाई पीयूष जोशी ने भी अपनी मासूमियत का तड़का डालकर इस चैनल के ग्रो करने में अपनी भूमिका निभाई। सौरभ जोशी ने लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर का सफर हरियाणा में ही पूरा किया। बाद में वह उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहने आ गए। मीडिया से बातचीत में सौरभ ने कहा कि वह अपने परिवार के सबसे अंतर्मुखी और शर्मीले सदस्य थे। आत्मविश्वास की कमी के कारण वे जनता और अपने परिवार के सामने बोलने से झिझकते थे, इसलिए शुरुआत में उन्होंने अपने ब्लॉगिंग चैनल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उनमें खुद पर ज्यादा भरोसा हो गया, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिली। आज सौरभ जोशी ने अपने ब्लॉग के माध्यम से काफी पैसे कमाए हैं और तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा की तो उनके पास लग्जरी गाड़ियां ही है। वो हल्द्वानी में ही अपने और अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर बना रहे हैं। फिलहाल वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं। सौरभ जोशी ने कई सारे म्यूजिक वीडियोस में भी एक्टिंग किया है। उनमें से प्रमुख है होना ही नहीं, मंजूरी नजर, पक्की वाली दोस्ती, मुझे प्यार हो गया है। कई म्यूजिक वीडियो में तो वो अपने गर्लफ्रेंड प्रिया धापा के साथ रोमांस करते नजर आए हैं। सौरभ जोशी के गर्लफ्रेंड का नाम प्रिया धापा।
हुआ है। सौरभ और प्रिया की जान पहचान उनके दिल्ली रहने के दौरान ही हुई थी। प्रिया धापा का परिवार पहले सौरभ जोशी के पड़ोस में ही रहा करता था। समय समय पर सौरभ के ब्लॉग्स में प्रिया धापा दिखती रहती है। इन दोनों के गार्जियन ने भी दोनों के रिलेशनशिप को हरी झंडी दे दी है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी सौरभ जोशी की। आपको इनकी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट आप तक लगातार मिलते रहें। हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करना न भूले। विशेष बातचीत के लिए आप हमसे Instagram पर भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जानकारी से भरे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।